दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। आज के डेट में 28 मार्च की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरों को लेटेस्ट अपडेट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन का जो मैटर अभी चालू है, तो हालांकि शासन के तरफ से तो ये कह दिया कि छात्र हित के में जो है फैसला लिया जाएगा, तो यूनिवर्सिटी ने भी अपने जो फैसले हैं वो शासन के पाले में डाल दिए। तो देखिए यूनिवर्सिटी तो पहले ही ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम लेने के लिए यहाँ पर तैयारी कर चुके हैं, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो शासन के पाले में डाले जाएगी। और आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, शासन ने ये आश्वासन दिया है कि छात्र हित को ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी अपना बयान दिया है, अभी आपने लेटेस्ट वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पर। तो अब जो है शासन के अगर पाले में डाल रहे यूनिवर्सिटी, तो इसका मतलब यह है कि ऑनलाइन मोड पर ही होगा। तो अब खाली औपचारिकता ही बाकी है, मीटिंग इनकी हो चुकी है रविवार को, अभी भी कुछ बाकी है। तो अब जो है शासन के पाले में अगर विश्वविद्यालय फैसला डाल रही है और ये उसको मानने के लिए तैयार होंगे, परीक्षा किस तरह से होगी ये सरकार को ही तय करने को कहा है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ऑफलाइन परीक्षा लेने की तैयारी की है, लेकिन जो शासन है, सीएम जो है हमारे भूपेश बघेल जी, वो कह रहे हैं कि छात्र हित में फैसला लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक तरह से जो है यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम अब ऑनलाइन होगी ही, ठीक है, खाली यहाँ पर अभी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने को बाकी है। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं, तो इसी कड़ी में देखिए रविवार को NSUI के छात्र नेताओं ने नंदेली जाकर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल से यहाँ पर मुलाकात की, ऑनलाइन एग्जाम कराने की मांग रखी। इस संबंध में NSUI के जिला अध्यक्ष आरिफ हुसैन ने उच्च शिक्षा मंत्री से उसके नाम का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि कोविड काल में प्रदेश की कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई है और कॉलेज में बड़ी मुश्किल से 1.5 से 2 महीने क्लास लगी, ऐसे में कोर्स पूरे नहीं हो सके हैं। तो इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर के छात्र ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं। तो छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन एग्जाम आयोजित करने की मांग की गई। तो उमेश पटेल जी ने भी इसका जवाब दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि छात्र हित को ध्यान में रखकर ही उचित निर्णय लिया जाएगा। तो अभी तक सिर्फ ये है, औपचारिकता बाकी रह गई है कि जैसे ही शासन से ये नोटिफिकेशन आदेश जारी होगा ऑनलाइन का, तो यहाँ पर ये सब कुछ मैटर जो ऑफलाइन की तैयारी की गई है, टाइम टेबल घोषित किए गए हैं, वो सब चेंज होकर ऑनलाइन हो जाएंगे। इसी बीच एक खबर और देखते हैं, रविशंकर यूनिवर्सिटी की, तो पूरे कैंपस को वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। रविशंकर विश्वविद्यालय के जो टीचर्स और स्टूडेंट हैं उनको ये अगले कुछ महीनों में सुविधाएं मिलने लगेगी। कार्य परिषद से स्वीकृत मिलने के बाद तैयारी शुरू हो गई है। यूनिवर्सिटी में एक बड़ा परीक्षा हॉल भी बनेगा, यहाँ एक साथ करीब 1000 स्टूडेंट बैठकर परीक्षा दे सकेंगे। रविशंकर अध्ययनशाला के अलग अलग भवनों में अभी वाईफाई की सुविधा है, लेकिन भवन के बाहर आने पर यहाँ सुविधा नहीं मिलती, अब पूरे कैंपस को वाईफाई किया जाएगा। अध्ययनशाला में पढ़ने वाले रेगुलर स्टूडेंट इसका उपयोग कर सकेंगे। तो ये था आज के डेट में छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़े हुई सारे अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई खबर के साथ अगले दिन एक नए वीडियो में।